लक्ष्मी जी की मूर्ति आपने देखी है? नहीं? जोर से बोलो, देखी है? अच्छा मुझे बताइए, लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी माता जो होती है वो क्या है? आप सब उनकी पूजा करते हो, ये है क्या? हाँ, एक एक करके। अच्छा एक महिला बोले, आप बोलिए। एक महिला? नहीं, नारी शक्ति नहीं है। मैं बताता हूं आपको, मैं समझा देता हूं। नहीं, जम्मू में मैंने ये सवाल पूछा, किसी ने कहा, ये कहा कि लक्ष्मी वो शक्ति है जो घर में पैसा लाती है। गलत इंटरप्रिटेशन। लक्ष्मी शब्द लक्ष्य से आता है। लक्ष्य को जो शक्ति पूरा करती है, आपके दिल में कोई भी लक्ष्य हो, कोई पैसा बनाना चाहता है, कोई फुटबॉल खेलना चाहता है, कोई राजनेता बनना चाहता है, उसके दिल में जो भी लक्ष्य होता है उसको जो शक्ति पूरा करती है उसे हम लक्ष्मी कहते हैं। अगर किसी का लक्ष्य पैसे बनाने का है और वो लक्ष्य पूरा हुआ तो लक्ष्मी ने काम कर दिया, सही? अच्छा दूसरा सवाल, दुर्गा नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है? दुर्गा का क्या मतलब? अच्छा एक बात बताता हूं, ये सब मीडिया वाले हैं ना, ये भाषण टेलीविजन पे नहीं डालेंगे, ये डाल ही नहीं सकते, ये भाषण टीवी पर नहीं जा सकता। हम इनको दोस्त कहते हैं मगर ये दोस्त है उनके। तो ये दुर्गा क्या है? दुर्गा शक्ति है, मगर किस चीज की शक्ति? देखिए ये हमारा धर्म जो है बड़ा लॉजिकल है। दुर्गा शब्द आता है दुर्ग से, दुर्ग का मतलब किला, दुर्गा मतलब वो शक्ति जो रक्षा करती है। जो शक्ति लक्ष्य पूरा करती है उसे हम लक्ष्मी कहते हैं। जो शक्ति रक्षा देती है, रक्षा करती है, उसे हम दुर्गा कहते हैं, सही? क्लियर? अब देखिए, राजनेता का काम दुर्गा और लक्ष्मी को, इन शक्तियों को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का होता है। बिना भेदभाव के हर व्यक्ति के घर में दुर्गा मतलब रक्षा, लक्ष्मी मतलब लक्ष्य पूरे करने की शक्ति डालने का काम हर राजनेता का होता है। मैंने कुछ गलत बोला? अभी तक लाइन में है? ठीक ठीक पटरी?